जूतियां कार से गायब नहीं होनी चाहिए। ऐसे कैसे हो जाएगी, चाबी तो मेरे पास है ना। यार कहीं जीजू और उनके दोस्त ज्यादा शाणे बनके दूसरी जूती साथ में लाए हो तो। ऐसे कैसे ले आएंगे, ये तो सरासर चीटिंग है ना। अच्छा हम है ना पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कितने पैसे लेने जीजू से जूते चुराई के। यार दीदी ने पहले ही बोल दिया था कि जीजू जितना शगन दे ना चुपचाप रख लेना, क्योंकि शगन शगन होता है। ऐसा बोला है दीदी ने, हद है यार, ये तो शादी से पहले उनकी हो रही है। हाँ यार पूरी शादी में एक ही तो मौका मिलता है हमें मोटी कमाई करने का, मैं तो 1 लाख सोच रही थी। हाँ तो 1 लाख रुपए ही लेंगे, दीदी का क्या है, दीदी तो बोलेंगे ही, होने वाले हस्बैंड है उनके और हमारी दीदी वो तो है ही कंजूस, पर जीजू ना स्वीट से हैं, मना नहीं करेंगे। ठीक है अब तो 1 लाख ही लेंगे पूरे, अगर उससे नीचे भी आए ना साफ मना कर देंगे, तुम रखो अपने पैसे अपने पास। पर दोस्त कमीने हैं यार उनके। सच में कमीने हैं यार, वो ब्लू शर्ट वाला जो था ना बोलता है अकेले अकेले डांस कर रहे हो थोड़ा हमारे साथ भी कर लो, मन तो कर रहा था रसगुल्ला फेंक के मारो उसके मुंह पे कबूतर सा। अरे कोई नहीं, वही तो जीजू का कैशियर है, मारने दे लाइन, लाइन दे रहा है ना ले ले, क्या ही जा रहा है, पैसे निकलवाने के बाद हम दोनों साथ में मिलके उस कबूतर के पर काटेंगे। चलना यार कुछ खाने चलते हैं, बहुत जोर से भूख लगी है। नहीं यार गोलगप्पे टिक्की पाव भाजी, मेरा तो स्टार्टर से ही पेट भर गया था, पेट में जगह नहीं है। चलना यार अकेले अच्छा नहीं लगता, चल। ओए दीप ये देख मैं मेहंदी के 2 कोन लेकर आई हूँ। तुझे आती है लगानी? नहीं मुझे तो आती नहीं है। वो देख भैया कितनी अच्छी मेहंदी लगा रहे हैं दीदी को, जब दीदी के लग जाएगी ना उसके बाद हम भी भैया से लगवा लेंगे। लेकिन दीदी को तो अभी टाइम लगेगा ना, दीदी तो यहाँ तक शोल्डर तक लगवाएंगी और पैर में भी तो लगवाएंगी ना। कोई नहीं हम ना वेट कर लेंगे, जल्दी नहीं सोएंगे, और मेरी मेहंदी तो बहुत डार्क हो जाती है। पर दीप स्कूल में मैडम से डांट तो नहीं पड़ेगी ना, मेरी मैम तो बहुत डांटती हैं। मैं तो कह दूंगी मेरी ना दीदी की शादी थी इसलिए लगवाई है मेहंदी। मैं भी लगवाऊंगी, तू दीदी से पूछ कितना टाइम लगेगा। मैं नहीं तू पूछ, मेहंदी वाले भैया ना बहुत नकचढ़े हैं। दीदी आपकी मेहंदी लगने के बाद हम भी मेहंदी लगवाएंगे। बाबू लगवा लेना, लेकिन मुझे तो अभी 2-3 घंटे लग जाएंगे, अभी स्टार्ट किया है ना लगाना। कोई बात नहीं मैं बुला लूंगी जब मेरे लग जाएगी तो, ठीक है? 2-3 घंटे तब तक तो नींद आ जाएगी। अरे नहीं आएगी, तब तक हम और भी डांस कर लेते हैं और फिर गाजर का हलवा खाने चलेंगे। आज तो पूरा निखार आ जाएगा मैडम पे हल्दी लगाने के बाद। हाँ बेटा पूरा बदन चमचमा जाएगा, एक जगह नहीं छोड़ेंगे हल्दी लगाए बिना। आ गए तुम लोग, मुझे तो लग रहा था सीधा शादी पर ही आओगे। अरे ऐसे कैसे नहीं आते, हमारी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, परेशान भी तो करना है। क्यों भाई और क्या, जीजू से पहले तो हमारा हक है तुझे परेशान करने का। मान जाओ कमीनो, सुबह से इतने कॉल किए तुमको, तुमने उठाए क्यों नहीं? बेटा अगर कॉल उठा लेते तो ये सरप्राइज थोड़ी ना होता, और ना तेरे चेहरे पे स्माइल देखने को मिलती। आ तो गए हो बेटा, लेकिन अब शादी से पहले जाने नहीं दूंगी। जस्सी एक काम कर, इन दोनों के बैग रूम में लॉक कर दे। अरे अरे बस तू टेंशन मत ले, जब तक तेरी विदाई नहीं हो जाती ना तब तक कहीं नहीं हिलने वाले हम, और जाने भी नहीं दूंगी। चल अब हमसे भी तो हल्दी लगवा ले। यार थोड़ी थोड़ी लगाइयो, पार्लर वाली ने मना किया है। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, काजल का गोरा बदन चमकाओ रे। अरे कमीनो क्या करो, छोड़ दे छोड़ो। अच्छा तुम भी तो ब्राइड मेड्स हो ना, तुम्हें कैसे छोड़ दूंगी, रुको। बस कर, बस 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 बस। अच्छा फोटो तो क्लिक करवा लेते हैं, बस मेरे पास यही यादें रह जाएंगी तुम्हारे साथ। जरूर आ जाए।
देख रही है बहन, है कोई इज्जत हमारी इस घर में? भले ही हमारा बाप लाखों की प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया उनके लिए, लेकिन ये एक रुपए का मान सम्मान नहीं रखते हमारा। क्या हो गया, रसगुल्ले नहीं मिले क्या? क्यों इतना गुस्सा कर रही है? चल खुश हो जा, खुशी का माहौल है। अरे बहन कैसे ना करूं गुस्सा, दिल दुखा है मेरा। एक तरफ से ये महंगी महंगी साड़ियां दी हैं अपने मायके वालों को विद जोड़े, और हमें क्या दिया, सस्ते से कॉटन के सूट दे दिए। अरे हमारे हस्बैंड भी तो हैं, उनका कोई हक नहीं बनता कि वो भी एक जोड़ी कोट पैंट पहन ले। अरे दी तो थी तुझे साड़ी और जीजे के लिए कोट पैंट, हमें भी तो मिले हैं। वो तो भाई दूज के दिए थे, शादी में क्या मान रखा हमारा। अरे पर तू आई कहाँ थी भाई दूज पे? हाँ तो एक आधी बारी नहीं आई तो इज्जत नहीं करेंगे हमारी? वो तो ट्रेनें बंद हो रखी थी उस टाइम पे, उड़ के थोड़ी आ जाती। जस्सी जरा अपनी मासी मासा को ले आना, स्टेशन पे खड़े हुए हैं, फटाफट जा। कह तो तू सही रही है बहन, इज्जत नहीं है हमारी इस घर में कोई। कल पूरे 2 घंटे तक स्टेशन पे खड़ी रही थी मैं, फोन पे फोन करे इनको, मजाल है कोई लेने आ गया मुझे, फिर हार के ऑटो करके आई हूँ मैं वहां से, ये बड़े बड़े बैग लाद के अपने बच्चों के साथ, तब नहीं निकली इनसे गाड़ियाँ, और अब देख अपने भाइयों को लेने के लिए गाड़ियाँ भेजी जा रही हैं, तब नहीं भेज सकते थे गाड़ी। खैर भैया भाभी का ना जितना मर्जी कर लो, चुटकी में पराया कर देते हैं। वही तो मैं कहती हूँ आपसे, इनके ढंग देख के ना मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था आने का, फिर सोचा इकलौती भतीजी की शादी है, और बुला रही थी प्यार से फोन करके तो बुआ का दिल पिघल गया, आ गई उसकी शादी में। वरना तो इन्होंने हमें नौकरानी बनाने के लिए बुलवाया है, बस काम करवाए जा रहे हैं एक के बाद एक, वरना तो अपने बहन भाई और उनके बच्चों को नए नए बिस्तर लगा के आराम से सुला दिया बेड पे, कि कहीं ननंद और उनके बच्चे ना सो जाएं इनके बेडों पर। हमारे लिए भी तो मंगवाए हैं गद्दे, वो किराए के बदबूदार, पता नहीं कैसे नींद आएगी उन गद्दों पे। दीदी मटर छिलवा दो, शाम का खाना बनेगा। हाँ हाँ भाभी, मैं तो कब से कह रही थी कि भाभी अकेले लगी पड़ी है, ले आओ मटर छील देंगे हम। हाँ भाभी एक काम करो, वो आलू भी ले आना, सुबह कचौड़ियाँ बना देंगे। और क्या, ये तो सच में चलेगी? गलत बोल दिया क्या मैंने? अच्छा सुनो मैं क्या कह रही थी, ये हलवाई वाला 4 कट्टे चावल लाने के लिए बोल रहा है, तो भिजवा देना पहले तुम ये। मम्मी कहाँ बिजी हो आप, कपड़े तक नहीं बदले आपने, आप ही की बेटी की मेहंदी है आज। बेटा बेटी की शादी है तभी तो फुर्सत नहीं है माँ को। मुझे कुछ नहीं पता, पहले आप बैठ के मेहंदी लगवाओ। ना बेटा मुझे तो काम ही बहुत है, मैं मेहंदी लगा के बैठ जाऊंगी फिर काम कैसे होगा। अरे मम्मी छोड़ो ना थोड़ी देर के लिए काम, आओ पहले मेहंदी लगवाओ। चल तेरी जिद्दी पूरी कर लूं पहले। ओ यार जल्दी करना, कितना टाइम लगाएगी, मुझे भी तो रेडी होना है, बारात आने वाली है बस। हाँ आ रही हूँ, रुक जा थोड़ा। यार ये जरा बांध देना, मुझसे बंद ही नहीं रहा है, और थोड़ा टाइट बांध दियो, डांस करने ना कहीं खुल ना जाए। बस कपड़े पहनने में तूने इतना टाइम लगा दिया है ना, ला इतना टाइट काफी है, थोड़ा सा और टाइट कर दे। चल ठीक है मैं रेडी होके आती हूँ। जल्दी पहन कर आइयो, बारात आने वाली है। अच्छा बेटा खुद आराम से रेडी होके आइए, और मेरे टाइम पे जल्दी होके आ। यार ये हुक्स लगा दियो। अबे ठंडे ठंडे हाथ लग रहे थे तेरे। वाह यार जब ये लहंगा देखा था तब तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, पर अब पहनने के बाद बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने ही छोड़ दिया था इतना प्यारा ड्रेस, पर कोई नहीं मेरा भी अच्छा ही लग रहा है ना, जैसा लुक सोचा था वैसे ही निकल के आ रहा है। चला फटाफट रेडी होते हैं। आजा। कौन से वाले पहनूं? ओए सुनना कौन से वाले पहनूं, ये वाले ये वाले? कोई भी पहन ले, दोनों जच रहे हैं तेरे पे। मैं काम करती हूँ ये। अच्छा इसके साथ नेकलेस भी पहनूं क्या? हाँ पहन ले, तेरा नेक डीप है ना, तुझे जरूरत है, पहन ले। तो फिर टीका रहने देती हूँ। हाँ मांग टीका रहने दे।
अच्छा सुनना यार, एक काम कर दे, मैंने लेफ्ट हैंड पे नेल पेंट लगा दी, मेरे राइट हैंड पे लगा दे। अबे ऊपर करना, मेरी स्कर्ट पे मत लगा दियो। पहले ही लगानी चाहिए नेल पेंट तो, अभी इसको सुखाते रहो। हट जाना शीशे के सामने से, इसलिए मैंने तुझे पहले बोला था कि पहले ही रेडी हो जाना, फिर मुझे रेडी होना है। प्लीज यार बहन, मेरे कर्ल्स कर देना और अच्छे से करियो, कम से कम 4-5 घंटे तक तो रहने चाहिए। ला हीट प्रोटेक्टर तो लगा लिया था ना तूने, कहीं ज्यादा हीट से खराब हो जाए बाल। यार तेरे बालों में नहीं रुक रहे कल्स, सिल्की इतने हो रहे हैं। चल कोई नहीं, मैं स्प्रे मार लूंगी, कम से कम 2 घंटे तो टिक ही जाएंगे, तू कर दे। ये ले आ गई बारात, ढोल की आवाज आ रही है। चल ना फिर चलते, जो मजा ढोल पे नाचने में है ना, वो डीजे पे नहीं है। चल सही कह रही है, भंगड़ा करने में ना मजा ही अलग है। अच्छा आप आ गए, एक काम करो आप ना H18 में आ जाओ। चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो वहीं रुको, मैं अपने भाई को भेज देती हूँ। ठीक है। मम्मी मेकअप आर्टिस्ट आ गई है। अच्छा भाई मैं क्या कह रही थी, वो मेकअप आर्टिस्ट आ गई है, वहीं पे खड़ी है पिछली गली में, तो उसे घर नहीं मिल रहा है, तू एक काम कर उसे पिक कर ले। ठीक है चल। हाँ बस फोन पर लगी रहे, अभी तक खाना नहीं खाया ना, एक बार मेकअप स्टार्ट हो गया ना फिर खाना भी नहीं खा पाएगी। चल जल्दी से खाना खा ले। यार भूख कहाँ ही लग रही है, बटरफ्लाईज उड़ रही है पेट में। बटरफ्लाईज की बच्ची ले खा। इतना बड़ा बाइट, छोटा बाइट खिलाना। खा ले बेटा खा ले, आज हमारे हाथ से खा ले, कल तो तेरे को जीजू के हाथ से ही खाना है। ले ले मजे, तू भी, लोग कम थे ना जो तू भी शुरू हो गई। चाची मामी आंटी सब मजे ही ले रहे हैं, तो तू क्यों पीछे रहे। रसगुल्ला मत खिलाना, इतनी मुश्किल से वेट कम किया है शादी के लहंगे में फिट होने के लिए। अबे खा ले आज तेरी शादी भी तो है, तुझे एनर्जी भी तो चाहिए ना इतना भारी लहंगा उठाने के लिए। मेरे ज्वेलरीज भी तो बहुत हैवी है यार, इयररिंग्स नथ हाय रब्बा, ऊपर से हील्स और पहनने इतने ऊंचे ऊंचे। अगर दक्ष जिराफ की तरह लंबे ना होते ना, तो मैंने तो स्पोर्ट्स शूज पहन के ही काम चला लेना था, किसी को क्या ही पता चल रहा है। अरे टेंशन मत ले, तेरा राइट हैंड बन के तेरे साथ ही रहूंगी। सुन सच में हिलियो मत मेरे पास से। Who is the bride here? Oh, you. First of all, congratulations to you for the new journey. So, start करने से पहले let me clear you everything. Ma'am, मुझे आपका makeover करते time किसी भी तरह की disturbance नहीं चाहिए। छाछा थाया बुआ मामा please सबको room से बाहर रखें। And जिसको भी आपसे मिलना है वो मेकअप के बाद मिले, और अगर किसी को मेकअप कराना है तो मैं प्रॉपर उसके अलग से चार्जेस लूँगी। मैं किसी को भी फ्री में आईलाइनर मस्कारा या लिपस्टिक नहीं लगाने वाली। आई होप आप इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखेंगे, जैसे कि हमारी इस बारे में बात हो रखी है बुकिंग टाइम पे। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आई है, मेकअप करने आई है? मैम आप तो जानते हैं कि हम होम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन आपके इतना कन्विंस करने के बाद हमने आपको मना नहीं किया। आफ्टर ऑल आपकी शादी है, वेडिंग डे स्पेशल डे। सो आई जस्ट टेक 10 मिनट्स, क्योंकि ब्राइड मेकअप स्टार्ट करने से पहले मुझे मेरा माइंड मेकअप करना है, क्योंकि फेस मेकअप तो मैं करके आई हूँ, राइट ब्राइड? वन थिंग मोर, आई नीड 1 कॉफी, एक्सक्यूज्ड। ओह
मम्मी जी देखो ना ये कब से कितना रोए जा रहा है। सबसे पहले ना आप इसके लिए एक बोतल दूध गर्म कर दो। अरे भाभी आप भी लगवा लो मेहंदी, फिर बाद में तो आपको टाइम ही नहीं मिलने वाला। मुझे ये कहाँ लगवाने देगी मेहंदी, किसी और के पास जाती ही नहीं है। ऊपर से लूज मोशन और लग गए हैं, बार बार डाइपर चेंज करना पड़ता है। भाभी थोड़ी देर भैया संभाल लेंगे ना डुगू को। वो उनका तो रहने दो, बस होंगे कहीं दोस्तों के साथ। अलग से महफिलें लग रही होंगी उनकी पीने खाने की। शादी का बहाना जो मिल गया है दिख जाए एक बार मुझे, बस फिर करती हूँ टाइट। बच्चे क्या बस मेरे ही है, आप लगवाओ तब तक, इसको सुला के आती हूँ फिर लगवाती हूँ मैं आके। नहीं 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 ओ। ये लो भैया फूल आधी लड़ियाँ, पूरा हॉल सजा देना। ओ आ जा हुन, दो घूट चाय पी ले, कब से एक टांग पे नाची जा रही है, आ जा। आधी टेंशन तो मेरी उदो ही खत्म हो गई सी जो तो तुसी आ गए सी, कि हुन मेरी भैन आ गई है, वरना मेरी नंदे तो हाथ पे हाथ धर के बैठी सी। सब नु बेड ते चाह चाहिदी है। ओ होर की, इस करके ते आई हूं मैं, आ जा। आपनु ते दिलो याद कर रही सी। अहो आलो वेखो, थोड़ी भांजी दे गहने गट्ठे दामाद जी के घर से आए हैं। आ वेखो हीरियां दा सेट, प्योर हीरियां दा है। हाय नी किन्ना भारी है। आ दूजे आला, ये तो बहुत सोना है। हाय नी है भी किन्ना सोना है, किन्ना चंगा लगूगा मन्नू ते। होर पाके वेख्या सी उन्हें जच रहा सी। होर एक जोड़ी पायल, हाय ये पायल भी किन्नी भारी लग रही है। होर ए गुठी ओदी सगाई दी, हाय मैं मर जावा, गुठी भी किन्नी सोहनी है, मन्नू ते सब कुछ बहुत अच्छा लगूगा। चल सही है, साड़ी मनु खुश रहेगी उत्थे। और ये लहंगा देखो, ये तो मनु दी पसंद आई है। हाय थू थू थू, नजर ना लग जे, कितना सोना लग रहा है अभी। और मनु को तो हल्के हल्के रंग पसंद आ रहे सी, कहंदी मम्मी आजकल ट्रेंड में है हल्के रंग। मैं क्या, गूढ़े रंग ही अच्छे लगते हैं दुल्हन पे। फिर मैं भी कहता जे हल्का ही पहनना है ते फिर अपनी रिसेप्शन विच पा ली। सही है, मनु वास्ते एक हार ते दो कंगन मैं और तेरे जीजी ने भी बनाए ओदे वास्ते, मैं क्या इससे कम तो नहीं दूंगी अपनी मनु को। अरे दीदी की लोड सी इतना खर्चा करन दी, थोड़ा आशीर्वाद कम है ओदे लई। हाय दस की नहीं जरूरत सी, इकलौती कुड़ी है साडी, अगर उन्नू नहीं दवांगी ते नरक ते थोड़ी जाना है मैं। पता ही नहीं लगा कब इतनी बड़ी हो गई साडी मनु, टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है। चल रो ना, किथे बहुत दूर चली है कि इत पड़ोस ते जाना है, जद मन करेगा ना चट गड्डी उठावांगे ते पट पहुंच जावांगे ओदे कोल। अरे एक ही हो रहा है, मेरे करके रो रहे हो ना तुसी दोवे, ठीक है फिर मैं भी नहीं कराना कोई व्याह व्यू। अरे पागल लड़की ऐ तो खुशी दे आंसू ने। चलो फिर चुप कर जो शेती, हाले नहीं जा रही मैं, हाले टाइम हैगा। होर ब्राइडल दी बुकिंग हो गई तेरी, जिथे देखो उथे ही बुकिंग हो रखी है 2 महीने पहले से, उदो ही भाव भी कुछ ज्यादा ही बढ़ाते। फिर 1.5 लाख विच डन करके आई हाँ, प्री वेडिंग वेडिंग ते रिसेप्शन दा मेकअप। बेटा शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो पहले ही बुकिंग करा देते हैं सब, किसी को बाद में मिले ना मिले। हाय रब्बा 1.5 लाख मोटी कमाई ते पार्लर वाले कमा रहे ने। सही है वेडिंग सीजन चे इन्हां दी चंगी कमाई हो जाती है। एक साडा टाइम सी घर विच जिन्नू थोड़ा बहुत मेकअप आंदा सी ओ कर देंदा सी, मेरे व्याह में अवनीत भाभी ने करता सी सारा मेकअप। साडे मेकअप विच हुंदा ही की सी, उपरों पापा गुस्सा खांदे सी, थोड़ी बहुती लिपस्टिक लगा ली सी, उत्तो काजल ओ भी रो रो के बह गया सी। हो रहा है अपनी विदाई तेते रो रो के लोट पोट हो गई सी, बड़ा मुश्किल हो गया सी जी इनू संभालना ते। मेरे उत्ते हंस रहे हो, आप दा भी दस दो फिर, एता बेहोश होके गिर पाए सी,
फिर बरात नू 2-3 घंटे वेट करना पिया सी। हद कर दियो तुसी भी। सही तो कह रही है, अजकल दी कुड़िया किथे रोंदी है, ओ ते हसदे हसदे जांदी है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੱਸ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਚਲ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਸੇ ਹਮਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰ ਲਈ, ਵਰਨਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਬੁਹਾਰੋ ਕੇ ਰੂਮ ਸੀ ਇਹ ਪਿੱਲੋ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲਾਈ ਹੂੰ, ਵਰਨਾ ਤੋ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹਾ ਥਾ ਪਿੱਲੋ। 5 ਵਜੇ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਮ ਪੇ ਔਰ ਬੈੱਡ ਪੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਲੈ ਲੇ ਕੋਈ। हमारी मम्मी भी बेचारी, वो भी नीचे गद्दा लगा के सो रही हैं। कोई नहीं, हम दोनों तो यहीं पे सो जाएंगे। तेरे सर में जुए तो नहीं है ना, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला है किसी से सर भिड़ा के मत सोना। पागल हो रही है क्या, मुझे नहीं होती जुए हुए। पर बचपन में तो होती थी तेरे सर में। वैसे यार ये कंबल तो बहुत पतला है, इसमें तो बहुत ठंड लगेगी। नहीं लगेगी, हम दोनों चिपक के सो जाएंगे, और शादी में तो गद्दों पे ही सोने में मजा आता है। पर यार चिंटू भैया क्यों नहीं आए शादी में, वो आते ना तो और मजा आता। रात को ना वो भूत वाली कहानियां सुनाते थे, और फिर रात को हमको डर लगता था, और फिर हम सूसू करने भी नहीं जाते थे। और तूने तो एक बार गद्दे पे ही सूसू कर दिया था, याद है तुझे। अब कैसे स्वीटी बुआ तेज से चिल्लाने लगी थी कि किराए के गद्दों पे सूसू कर दिया। मजा तो बहुत आता था चिंटू भैया के साथ, पर उनकी जॉब का इंटरव्यू था ना, वो छोड़ के कैसे आ जाते वो। नेक्स्ट ईयर तो उन्हीं की शादी में जाएंगे, तुझे पता है वो ना लव मैरिज कर रहे हैं। है सच्ची? वैसे देख यार अभी वीर भैया की शादी हो रही है, फिर अगले साल चिंटू भैया की शादी हो जाएगी, और फिर लास्ट में आरू दीदी बचेंगी। चाय की खुशबू, मैं लेकर आती हूँ, दोनों कंबल में बैठ के आराम से पियेंगे। हाँ जल्दी लेकर आ जा, जब लास्ट टाइम बनी थी ना तो खत्म हो गई थी हमारा नंबर आते आते। मैं जाती हूँ, और कंबल और पिल्लो का ध्यान रखियो, कहीं और कोई चुरा के ना ले जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, जा तू जल्दी। ये ले, चाय के साथ ना गरम गरम जलेबी भी बन रही थी। मजा आ गया यार चाय के साथ जलेबी, शादी में यही मजा आता है खाने पीने में ना। और तू वीर भैया की बारात में जाएगी? हाँ यार मैं जाऊंगी, वैसे भी ना लड़के वालों की तरफ से बारात में जाने में मजा आता है, खूब खातिरदारी होती है। तुझे पता है वीर भैया ने ना भाभी के लिए सरप्राइज डांस प्लान किया है, किसी को भी नहीं पता अभी। पर वीर भैया को तो डांस आता ही नहीं है। सीखा है उन्होंने, तभी तो भाभी शॉक हो जाएंगी उन्हें देखकर। वैसे यार भाभी ना बहुत सुंदर है, मैंने ना उनकी इंस्टाग्राम पे फोटो देखी थी, बहुत फैशनेबल है। यार जलेबी तो कम पड़ जाएंगी, और खाने का मन कर रहा है, ले आना। मैं नहीं जा रही इस बार, तू जा, तुझे जाना है तो। तुझे पता भी है कितनी मुश्किल से लेकर आई हूँ मैं, 2-2 प्लेटें पकड़ के, मैं नहीं जाने वाली अब। मैं चले आऊंगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको आपके नाम से ही बुलाऊं तो घर में किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा? मतलब ए जी ओ जी सुनो जी, मुझसे तो नहीं हो पाएगा यार ये। आपको जो अच्छा लगे आप वो करना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ठीक है। अच्छा हमारे घर से जो साड़ियाँ गई थी आंटी जी के लिए, वो पसंद आई उनको? क्या बोला आपने आंटी जी को? मेरा मतलब मम्मी जी। ओहो अभी से जीजू से बात चल रही है। आ गई तू कमीनी, आ बैठ। और बता क्या हाल चाल है? बस जैसी भी हूँ तेरे सामने हूँ। क्या बात है भाई, ग्लो तो पूरा पूरा आ रखा है तेरे चेहरे पे। अब मिला है ना तुझे टाइम, शादी से जस्ट एक दिन पहले, हल्दी हो गई, संगीत हो गई, सब कुछ हो गया, अभी भी क्या जरूरत थी तुझे आने की? अरे यार तुझे तो पता ही है MBBS स्टूडेंट्स की ना बैंड बजा के रखते हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स चल रहे थे,
आज भी सुबह एग्जाम देकर ही आ रही हूँ मैं। बचपन में बोला करती थी हम दोनों में से किसी की भी शादी होगी ना तो सबसे पहले आकर बैठ जाएंगे, और अब क्या मैडम? तू भी तो बेटा बोला करती थी कि जब भी शादी करेंगे दोनों साथ में ही करेंगे, अब देख पहले ही चांस मार रही है। सिचुएशंस। अगला नंबर तेरा ही है, तेरे ऊपर ही गिराने वाली हूँ कलीरे। फाइनली यार तू शादी कर रही है, टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता। कल तक तो शादी की बात करती थी और आज देख ठीक शादी हो रही है। बस बस अब आते ही ना इमोशनल मत कर, उसके लिए कल का पूरा दिन है। और ये लगेज ना मेरे रूम में ही लॉक करके रख देना, शादी में किसी का कुछ नहीं पता। और बता कुछ खाएगी तू? ओके मैम। मैं तो कहती हूँ हल्दी के लिए ना फ्रेश फूलों की माला बनवा ज्वेलरी। तो शादी की शॉपिंग के लिए भी अपनी कजन को बुला लेती ना, मुझे क्यों बुलाया? बड़ी आई कनाडा से आ रही है। मुझे हंसी आ गई। ठीक था ना इतना ही? चल चलो एक्शन करें। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कई सखियां आज कलियां हाथों में नहीं गलत हो गया। तुम बोलो। हाँ हो नित्य की, तेरी मदद करानी थी आई हूँ मैं। पूरी आलो वेखो, थोड़ी भांजी दे गहने गट्ठे दामाद जी दे घर से आए हैं। तू ना टेंशन मत ले, तेरी विदाई ना हो जाती ना तब तक, जब तक तेरी विदाई नहीं हो जाती ना, सॉरी करो, जब तक तेरी विदाई नहीं होगी ना तब तक। अभी ठीक है, अभी तो खुल गया। एक सेकंड करूँगा कंटिन्यू। एक्शन।